पुरुलिया से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर ये अयोध्या हिल टॉप है। मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं बंगाल में हूँ और हिंदुस्तान के अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ की संस्कृति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनके घर देखिए, यहाँ की ऐसी शुरुआत है और यहाँ के नज़ारे भी इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं इसीलिए बंगाल के अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बंगाल में हूँ और ये भारत की संस्कृति है। अब मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है, जहाँ पर माँ सीता ने और भगवान श्री राम ने वहाँ पर 2.5 दिन अपना वक्त गुजारा था। आपको वहीं लिए चलता हूँ। मैं बंगाल में हूँ और बंगाल के पुरुलिया जिले के अयोध्या हिल टॉप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर का जिक्र कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैली में इसी मंदिर का जिक्र कर रहे थे। ये अयोध्या हिल टॉप का मंदिर है। बताया गया है कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान 2.5 दिन इसी जगह पर रहे थे, जिस जगह मैं मौजूद हूँ। ये मंदिर की मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ आपको। ये देखिए भगवान श्री राम की ये जगह है जहाँ पर वो आए थे, रुके थे और 2.5 दिन का वक्त यहाँ पर रहा था। और ये तमाम जो दूर दराज से लोग हैं वो यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद में वो अयोध्या हिल टॉप का इसको नाम दिया गया। हालांकि पहले यहाँ आने में बहुत वक्त लगता था, सड़कें नहीं थी, लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानियाँ होती थी, लेकिन अब बहुत शानदार सड़कें हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। पुजारी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, भगवान श्री राम के मंदिर में आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ किन किन की मूर्ति हैं? राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, शिव, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम, गणेश। ये मुझे रथ लग रहा है। हाँ, ये रथ है। रथ का दिन में यहाँ से कृतिवास आश्रम दुर्गा मंदिर जहाँ पर है 1 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ गांव का लोगों यहाँ से खींच के लेके जाता है, 7 दिन बाद में फिर लेके आता है। ये कब आप निकालते हैं रथ? जो दिन रथ यात्रा होता है उस दिन। अच्छा, रथ यात्रा के दिन ही निकालते हैं। अच्छा, तो अयोध्या टॉप हिल में मैंने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं, लोगों से आपकी मुलाकात भी कराए। मैं आपको वहां दिखाता हूं, जब प्यास लग रही थी उन्होंने तीर कमान से जो पानी निकाला था, मैं आपको उस जगह लिए चलता हूं। जहां भगवान श्री राम ने तीर मारकर पानी निकाला था, मैं आपको वो जगह लेकर चलता हूं। वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं, हालांकि मंदिर से काफी दूर है, मैं उसी जगह चल रहा हूं आपको लेकर और आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं जिसे देखने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में भगवान श्री राम के भक्त यहां पर आते हैं। मैं उस वक्त उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर माँ सीता को प्यास लगी थी, तो भगवान श्री राम ने तीर कमान से जमीन में से पानी निकाल दिया था। उस जगह मैं पहुंच गया हूं। मैं बंगाल में हूं, बंगाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये वो जगह है, ये जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भगवान श्री राम ने तीर मारकर पानी निकाला था जमीन से और उस पानी को पीने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, देखने के लिए आते हैं। ये इस जगह का बहुत ज्यादा महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम ने यहाँ से पानी निकाला था। मैं उस कुएं के पास हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम ने तीर कमान से पानी निकाला था और ये ऐसा कहा जाता है कि पानी देखिए परमानेंट निकल रहा है नीचे से। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पानी जो है अपने आप निकल रहा है, तब से लेकर आज तक ये पानी नहीं रुका है। और इसी तरीके से अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये हरा हरा जो चारों तरफ दिख रहा है उसके बीच में रेतीली से पानी निकल रहा है और ये पानी कंटिन्यू रुकता है, निकलता है, रुकता नहीं है कभी भी। ये 12 महीने 24 दिन इसी तरीके से ये पानी यहां पर निकलता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और यहां तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। जैसे बताया गया कि भगवान श्री राम यहाँ पर थे 2.5 दिन का, उन्होंने वनवास के दौरान यहाँ पर रहे। जब माँ सीता को प्यास लगी तो उन्होंने तीर कमान से पानी निकाला, यही वहां पर तीर मारा था
और यहाँ से लेकर अभी तक पानी ऐसा ही निकलता है, ये पानी रुकता नहीं है कभी भी। और दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, पानी पीते हैं और पानी यहाँ से भरकर लेकर जाते हैं। पानी निकल रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठंडा पानी है एकदम। और ये भगवान श्री राम ने यहाँ पर तीर कमान के जरिए ये पानी निकाला, जैसा मुझे बताया गया। और इसी पानी का जिक्र और इसी जगह का जिक्र योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम और माँ सीता 2.5 दिन इस इलाके में रही हैं और जब उनको प्यास लगी तो यहाँ पर तीर कमान से पानी निकाला गया। ये वही पानी है और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि इस पानी को मैं देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ। ये पानी इतना अच्छा है कि बिस्लर जो मिनरल वाटर होता है उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ये पानी बिल्कुल साफ है एकदम, ये देखिए इतना साफ पानी है कि मिनरल वाटर भी फेल है इसके आगे। जो मेरे हाथ में ये पानी आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा साफ है और मैं इसको आराम से पी सकता हूँ। मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मिनरल वाटर नहीं है या वैसा है, बिल्कुल साफ पानी है एकदम। और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी यहाँ आया हूँ।